अस्सलाम वालेकुम। इस पर चमके साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियां और गम एक हैं, हम एक हैं। मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी उम्मे रुबाब आज फिर से आप सब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सर, चीफ जस्टिस साहब, डीजी रेंजर्स और मुल्क के हर एक इदारे से मुखातिब होकर बात करना चाहती हूँ। सर, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं हर मंजिल पर अपनी जान से खेलती आई हूँ जस्ट इंसाफ के लिए। मैं अपने बाबा, अपने दादा और अपने चाचू के लिए इंसाफ चाहती हूँ। सर, मैं चीफ जस्टिस साहब की गाड़ी के सामने भी आई, मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मुझे इंसाफ मिले और मैं चीफ जस्टिस साहब से मिली और चीफ जस्टिस साहब आपने मुझे ये कहा, आपने पूरी पब्लिक के सामने अनाउंस किया कि बेटा मैं आपके साथ इंसाफ ऐसे करूंगा जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी बेटियों के साथ करता। तो सर, आज मैं आपकी बेटी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सर, ये जो सरदार हैं, आप सब जानते हैं कि हमारा ट्रायल तो चल रहा है, तो इन सरदारों के नाम एटीसी नौशहर एटीसी ने लेट ऑफ कर दिए थे। फिर हमने चैलेंज किया सखर हाई कोर्ट में, तो सखर हाई कोर्ट में इनके नाम रिज्वाइन हुए हैं और एक बुरहान चांडियो जो सरदार का भाई है उसका नाम लेट ऑफ भी हुआ और उसकी बेल भी कैंसिल हुई है। तो सर, कल उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपनी इंटीरियम बेल कराई है। सर, मैं जानती हूँ जो अक्यूज्ड है उनका राइट होता है, उन्हें इंटीरियम बेल मिल जाती है, पर सर, बीइंग अ विक्टिम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये मेरा राइट है कि उन्हें कंफर्मेशन बेल ना दी जाए। सर, मैं कौम की बेटी हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ और जो दो हम मेरे केस में, मेरे बाबा वालों के केस में जो दो एक्सकॉन्डर हैं, मुर्तजा चांडियो और जुल्फकार चांडियो, पूरे 6 महीने हो गए हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं यही सोचती हूँ कि वो कहाँ हैं। सर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सर, मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप हमारे मुहाफिज हैं, आप हमारी हिफाजत करते हैं, आप दहशत गर्दों को पकड़ते हैं, मुर्तजा चांडो और जुल्फकार चांडो, इन दोनों पे हमारे केस में 80 के सेक्शंस लगे हैं, ये भी दहशत गर्द हैं, आप इन्हें अरेस्ट करें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। ये सरदार मुझे रोज रोज धमकियां देते हैं कि केस से हाथ उठाओ, पर सिर मैं मर जाऊंगी, मैं मरना कबूल करूंगी, पर मैं अपने बाबा के खून के साथ सौदा कभी नहीं करूंगी। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपसे पूरी कौम की बेटी हूँ, मैं आप सबसे अपील करती हूँ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी मदद करें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सर, चीफ जस्टिस साहब, मुझे आप में बड़ी उम्मीद है कि आप लोग मेरे पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, आप लोग मेरे साथ इंसाफ जरूर करेंगे। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे साथ इंसाफ करें। मैं हर मोड़ पे आपसे रिक्वेस्ट करती आई हूँ क्योंकि मैं उम्मीद रखती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लिए जरूर इंसाफ मुझे दिलाएंगे, मेरी फैमिली के साथ जरूर इंसाफ करेंगे। सर, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि इन सरदारों को, इस बुरहान चांडे को कन्फर्मेशन बेल ना दी जाए। हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, आपकी बेटी, आपने मुझे अपनी बेटी कहा, आपकी बेटी का केस आपकी कोर्ट में आया है, आप इन्हें कंफर्मेशन बिल ना दें।